का महत्वपूर्ण जो विषय है वो आपके सामने बताने का है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल जो कि 3 साल का समाप्त हुआ है, अब आगे जो कि चुनावी वर्ष है, इसलिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी के जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यकाल को जून 2024 तक उसको एक्सटेंशन उनको मिल गई है और राष्ट्रीय कार्य समिति ने मोहर लगा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने भी एक सराहनीय काम जो अभी तक उनका हो रहा है 3 साल का कार्यकाल, उसकी सराहना की है और ये जून 2024 तक, क्योंकि उससे पहले बहुत से काम करने होते हैं, मेंबरशिप करनी होती है, फिर नीचे इकाइयों के चुनाव होते हैं, फिर जा करके केंद्रीय स्तर तक लगभग 1 वर्ष लगता है संगठनात्मक चुनाव में, लेकिन उतना समय ना होने के कारण से और ये एक्सटेंशन ऐसी दी गई है। तो वहीं दिल्ली में 2 दिनों तक चली बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव समेत भारत को मिली G20 की अध्यक्षता पर इस बैठक में चर्चा की गई। जो इस बार की चर्चा में जो विषय रहे, एक तो जैसे आगामी वर्ष भर में जो भी चुनाव होने वाले हैं, 9 राज्यों के चुनाव होंगे और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, इन सब चुनावों में चुनावी राज्यों ने अपनी अपनी तैयारी के लिए जो सारी चर्चा बताई है, इस बार जो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है तो G20 के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वर्ष भर ये चलने वाले हैं, कौन कौन से कार्यक्रम कहाँ कहाँ होंगे उनके बारे में चर्चा हुई और G20 के जो देश आएंगे उन सबको जो भी प्रतिनिधि आएंगे उन सबके सामने हम अपने भारत की कैसी तस्वीर जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में लगभग 200 बैठकें होंगी, 200 कार्यक्रम होंगे और इन 200 कार्यक्रमों में सभी प्रदेशों में ये कार्यक्रम होने वाले हैं। हमारे यहाँ भी गुरुग्राम के अंदर 2 बार करके और 6 दिन के ये कार्यक्रम होंगे, तो इसमें हमने भी अपनी हरियाणा की जो तैयारी है उसके बारे में सब बताया है कि हमारी 2 दिन की तैयारी अच्छी है, ठीक है। प्रस्ताव भी कुछ रखे गए हैं जिसमें सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव के नाते से जो भी कुछ बदलाव अपने देशों में हुए हैं नरेंद्र मोदी जी की के नेतृत्व में, हमने 8 वर्ष में जो कुछ ऐसे समाज में परिवर्तन किए हैं उन सब का भी लेखा जोखा एक सारा कार्य समिति के सामने रखा है, ताकि देश भर में उन सब बातों को, वैसे तो पहले से सब जानकारियाँ होती हैं फिर भी कार्य समिति में उनको इसलिए बताया जाता है कि हम अगले चुनावों के अंदर उन सब को लोगों के सामने बता सकें।